नमस्कार दोस्तों, संकष्टि चतुर्थी व्रत गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत ज्येष्ठ संकष्टि गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करें तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें, इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म अर्थ मोक्ष विद्या धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आप लोगों को ज्येष्ठ मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। यह कथा सुनने मात्र से ही सभी दुखों का अंत होता है, सारे संकट से निवारण मिलता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए गणेश चतुर्थी व्रत की कथा शुरू करते हैं, जो कि ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली कथा है। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा है यह। एक समय की बात है, पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम होता है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप संक्षेप में कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदानीय होती है। इस दिन आँखों मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इनकी पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अथवा हलवा, लड्डू, पूड़ी, घी से बने पकवान का भोग लगाना चाहिए, जो गणेश जी को अति प्रिय है। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश जी पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। सतयुग में सौ यज्ञ करने वाला एक प्रथु नामक राजा रहा करता था। उसके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्ठांत उनके चार पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चार बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृग्रह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधि की बात सुनकर उसकी सासू ने कहा, हे बहू, तुम सही बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ना तुम भिक्षुणी हो, ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें क्या करना है? इनका व्रत रख करके बहू ने आज्ञा मानी और व्रत नहीं किया। कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिण हो गई। 10 महीने बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र को विवाह काल में वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना में मंडप में सभी खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल हो गए, कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे सासू जी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। आपने पुत्र वधु को मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधु भी दुखित हो उठी। पिता के लिए दुखित पुत्र वधु प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। कुछ समय बीतने पर एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरा क्षुधा समाप्त हो जाए और मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण को सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया, भक्तिपूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि
दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हुए, तुम अपनी इच्छा अनुकूल कोई वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी साक्षात गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण मैं यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही घर आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस दिव्य बालक को नगर में ले आया और अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष को तो सीमा ही नहीं थी, वे साथ ही संपूर्ण नगरी वाले भी विचलित हो गए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही तुम यहाँ पर आए हो, उन्हीं के पुत्र को प्राप्त किया, उन्हीं की कृपा से मैंने अपने पुत्र को प्राप्त किया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक विवाह को संपन्न करवाया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनुष्य को मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति के भक्ति पूर्वक जो भक्ति से व्यक्ति इस व्रत को पूजन एवं उद्धापन करता है, इसका नियम का पालन करेगा, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर भगवान गणेश जी के व्रत का महात्म्य है। ये महाराज अपने शत्रुओं के विनाश कार में आए थे, इस व्रत को अवश्य किया कीजिएगा। ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी को यह व्रत जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आंसू मूषक रथ गणेश जी के रूप में पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और कहना चाहिए, है एक दंड मूषक रथा गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँगा एवं शाम को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता को अर्घ देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगा। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी के भजन और ध्यान में लगे रहें। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर निवेद्य से गणेश जी का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही आप भोजन ग्रहण करें। इसी तरीके से यह कथा समाप्त होती है, इसकी विधि भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोग को गणेश चतुर्थी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्येष्ठ मासों की सारी कहानियां मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, वो सुनिएगा। वैशाख मास की भी डाल रखी है और कई कथा कहानियां मैं सुनाती हूँ और पूजा भी लाइव करके दिखाती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। इसी तरीके के वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।